कम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है जिसमें मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो बेसिकली आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को लर्न हुए होने चाहिए क्योंकि सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये 15 मार्क्स के हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ बोला गया है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, लेकिन मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं। ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन से तग्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपको अपनी कविता से रिलेटेड आंसर देना है कि ये कठिन समय नहीं है। आंसर पढ़ते हैं। ये कठिन समय नहीं है बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तक्र प्रस्तुत किए गए थे। अब मैं आप लोगों को आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगी। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दी गई लाइन से आंसर की शुरुआत करेंगे, इससे आपका आंसर आई कैचिंग हो जाता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जैसे यहाँ दे रखा है, फर्स्ट पढ़ते हैं, चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है, चिड़िया की उड़ान में कोई बाधा नहीं है। तो आप लोगों को निम्नलिखित तक्र यहाँ एक्सप्लेन करने थे। स्टेशन पर रेलगाड़ियों का आवागमन जारी है, यानी आना जाना अभी भी जारी है। लोग गिरते को सहारा देने को तैयार रहते हैं। लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार करना। छठा, लोगों को दूसरों की कुशलता की चिंता रहती है। बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। तो ये कठिन समय नहीं है ये बताने के लिए कवि ने ऐसे निम्नलिखित तक्र को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड में बोला गया है, प्रारंभ में साइकिल आंदोलन चलने में पुडुकोट्टई की महिलाओं की कौन सी बाधाएं सामने आई। तो आप लोगों को बताना है कि साइकिल आंदोलन चलाने में जो पुडुकोट्टई की महिलाएं थी उनके सामने कौन कौन सी परेशानियां आई। तो अगेन आप लोग क्वेश्चन की लाइन लेते हुए आंसर को लिखेंगे, ऐसे आंसर आप लोगों को आई कैचिंग और अट्रैक्टिव लगता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। अब वो बदलाव आप लोगों को बताने हैं। स्टार्ट करते हैं। ये हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ, यानी साइकिल आंदोलन से क्या हुआ, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। अब वे बस के इंतज़ार में समय नहीं गंवाती, यानी अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उनके पास साइकिल है। उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी है, यानी पुरुषों पर जो वो डिपेंड रहती थी उसमें निर्भरता उनकी घटी है, यानी कम हुई है। आगे पढ़ते हैं। अब फिर दैनिक कार्य मतलब रोज के कार्य अधिक सुगमता से संपन्न करने लगी हैं, यानी आसानी से करने लगी हैं वो अपने डेली के काम को जो भी बाहर आने जाने के होते हैं। इससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई है, यानी इनकम में उनकी वृद्धि हुई है, बढ़ी है। वे आर्थिक रूप से समृद्ध हुई है, यानी अगर हम पैसों से रिलेटेड बात करें तो आर्थिक रूप से भी वो डेवलप यानी समृद्ध हुई हैं। समृद्ध मतलब क्या होता है, डेवलप होना। वे अपने उत्पाद ज़्यादा स्थानों तक बेचाती हैं, यानी उनके पास साइकिल है तो वो अपने प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों तक बेच पाती हैं। इन्हें आराम करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, तो अब उन्हें आराम करने के लिए भी समय मिल जाता है। तो इस प्रकार उनका जीवन ही बदल गया है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपके विचार से अंग्रेज ने बेडंगा लोटा क्यों खरीदा होगा। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि उसने बेडंगा लोटा क्यों खरीदा था। कारण सहित उत्तर लिखिए, तो आपको उसका कारण भी देना है। स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें खरीदने के शौकीन होते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उसे खरीदने के वो क्या होते हैं, शौकीन होते हैं, यानी अपना शौक रखते हैं। उस अंग्रेज़ का एक पड़ोसी
मेजर डगलस पुरानी चीज़ों में उससे बाजी मारने का दावा करता रहता था। तो आपको याद रखना है जो उसका एक पड़ोसी था मेजर डगलस, उससे भी ज़्यादा पुरानी चीज़ों में बाजी मारने का दावा करता रहता था। उसने एक दिन जहांगीर अंडा दिखाकर कहा था कि वे से दिल्ली से 300 रुपये में लाया है। वे अंग्रेज़ इसका बदला लेना चाहता था, जो अंग्रेज़ था, अतः उसने 500 रुपये देकर अकबरी लोटा खरीद लिया। तो वास्तव में, लेकिन सच में क्या था कि वह लोटा अकबरी था ही नहीं, बिलवासी ने उसे मूर्ख बनाया था, यानी उसे बेवकूफ़ बनाया था। इस लोटे को देखकर वे मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था और वे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था, यानी खुद को तो वे बड़ा घोषित करना चाहता था और उसको वो छोटा, क्योंकि उन दोनों में कंपटीशन था कि पुरानी चीज़ों में कौन ज़्यादा बाजी मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ये याद रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। तो रीड करते हैं, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। जो उनकी चोटी थी उन्होंने क्या सोच, आगे पढ़ते हैं कि वे भी नागिन के समान निराती दिखाई देने लगेगी। तो श्री कृष्ण ने ऐसा अपनी चोटी के बारे में सोचा, पर अभी तक ये छोटी क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे बोला गया है कि पानी की कहानी पाठ के आधार पर, यानी पानी की कहानी को अपने माइंड में रखते हुए आपको बताना है कि आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अपने शब्दों में से एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है पानी के जन्म और जीवन यात्रा का। आप भी अपने एग्ज़ाम में इसी तरह क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से रीड करेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखना है आप लोगों को H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। बेसिकली H2O के परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट से होता है। उनका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है, याद रखेंगे आप लोग। पहले पानी की बूंद भाप के रूप में, याद रखना है कि पहले पानी की बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, फिर वह ठोस बर्फ का रूप ले लेती है। बस पहले वो भाप के रूप में होती है, फिर वो ठोस यानी सॉलिड में चेंज हो जाती है, तब उसका रूप बहुत छोटा हो जाता है। फिर समुंदर में गर्म जलधारा से भेंट होने पर वे पिघल कर पानी बन जाता है, यानी जब वो समुंदर में जाके गिरता है गर्म जलधारा में, तो वो पिघल कर पानी बन जाता है। तो इस तरह यह पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिख करके आएंगे। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। मूर्खतापूर्ण मतलब बेवकूफ़ी, ऐसा कौन मानता था, सांप मानता था उड़ने की इच्छा को। फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। आंसर पढ़ते हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, यानी बेवकूफ़ मानता था। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है तो आप लोग इस आंसर को बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके लिए उड़ने और रेंगने में कोई अंतर ना था, याद रखना है कि सांप के लिए उड़ने और रेंगने में कोई भी अंतर नहीं था। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, याद रखना है कि उसने बाज के मन में उड़ने की आकाश में क्या देखी, एक तड़प देखी, तब सांप को भी लगा कि इस आकाश के रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तो ऐसे यहाँ सांप को लगा कि बाज में इतनी तड़पन है तो मुझे भी इस आकाश का सीक्रेट यानी रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। तो आप लोगों को याद रखना है
कि वे भी उड़ने का स्वाद लेना चाहता था, अतः वो बेचैन हो उठा। तो यहाँ से आप लोगों के सैंपल पेपर के क्वेश्चन होते हैं फिनिश, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।